बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताते हैं यूरिक एसिड के बारे में एक बहुत ही अहम मालूमात। तकरीबन दुनिया में 500 मिलियन लोगों को यूरिक एसिड के मसाइल हैं, जिनके अंदर 200 मिलियन ऐसे लोग हैं जो रेजिस्टेंट गाउट के मरीज़ हैं, जिनके अंदर आप इलाज के बावजूद भी यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वक्ती तौर पे वो कंट्रोल हो भी जाए तो चंद ही हफ्तों के बाद दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। विटामिन सी अगर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर लें तो रिसेंट रिसर्च के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि विटामिन सी जिन पेशेंट्स के अंदर ठीक होता है या उनका लेवल ऑप्टिमल होता है तो उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ऐसे लोग जिनके अंदर यूरिक एसिड के मसाइल रहते हैं और बार बार यूरिक एसिड का मसला बनता रहता है, बार बार उनको गाउट होता है, तो उसके अंदर विटामिन डी ज़रूर ऐड करें डाइट के अंदर। विटामिन सी ज़रूर ऐड करें डाइट के अंदर। विटामिन सी के लिए आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सारी उसके अंदर मौजूद होता है। जिस तरह अगर फ्रूट्स की बात करें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माल्टा, किन्नू, संतरा वगैरह या ग्रेप फ्रूट, इन सब के अंदर मौजूद होता है। टमाटर के अंदर मौजूद होता है। सब्ज़ियों की बात करें तो बंद गोभी, आलू, वैसे कोई गोभी वैसे दूसरी भी इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर भी विटामिन सी मौजूद होता है। तो इनको अगर आप रेगुलर अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनका बार बार यूरिक एसिड का मसला बनता है तो उनको कंट्रोल में काफ़ी अफाका होता है। ये रिसेंट रिसर्च है। बहुत शुक्रिया।